अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। भारत और पाकिस्तान के बीच के मैच का सभी को इंतजार रहता है। पूरी दुनिया की नजर इस मैच पर रहती है। एशिया कप 2023 में शनिवार को इन दोनों टीमों का सामना हो रहा है। इस मैच पर बारिश का भी साया है। पल्ले केले में खेले जा रहे इस मैच की शुरुआत से पहले ही बारिश आई थी। इसके बाद जब पहली पारी का पांचवा ओवर फेंका जा रहा था तभी भी बारिश आ गई थी। रोहित शुभमन गिल के साथ पारी की शुरुआत करने आई टीम इंडिया को सदी शुरुआत मिली। पारी का पांचवा ओवर चल रहा था और दो ही गेंद फेंकी गई थी कि तभी बारिश आ गई और मैच को रोका गया। बारिश के कारण जब मैच रुका हुआ था तब रोहित शर्मा डग आउट में बैठे थे और अपनी टीम के साथियों से बात कर रहे थे। बारिश रुक गई थी और रोहित गिल ने हेलमेट पहन लिए थे। इस बीच कैमरामैन की नजर रोहित पर ही थी। वह कैमरा लेकर उनके पास खड़े थे और उन्हें शूट कर रहे थे, लेकिन रोहित को ये पसंद नहीं आया और उन्हें कैमरा नीचे करने के लिए कहा। रोहित का ये वीडियो इस समय वायरल हो रहा है जिसमें वह कैमरामैन से कैमरा हटाने को कह रहे हैं। रोहित कैमरामैन से कह रहे हैं कि कैमरा रोको। इस बीच उम्मीद थी कि भारतीय टीम के बल्लेबाज पाकिस्तान के तूफानी तेज गेंदबाजी आक्रमण का अच्छे से सामना करेंगे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने भारतीय बल्लेबाजों को हिलाकर रख दिया। उन्होंने पहले रोहित को अपना शिकार बनाया। रोहित पांचवें ओवर की आखिरी गेंद पर शाहीन की गेंद पर बोल्ड हो गई। इसके बाद शाहीन ने कोहली को भी बोल्ड कर दिया। हारिस रऊफ ने श्रेयस अय्यर को अपना शिकार बनाया। रोहित ने 11 रन बनाए, कोहली सिर्फ 4 रन ही बना सके, अय्यर ने 14 रन बनाए। दोस्तों मैच की ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।